वेलकम फ्रेंड्स। तो फाइनली आज हम ZN का जो फुल प्रूफ है कि जो हमने ये ग्रुप ऑपरेशन डिफाइन किया था कि इसके अंडर वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा, फुल प्रूफ है इसका, आज करेंगे हम। ओके तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा कि ZN विच इज़ इक्वल टू 0, 1, 2 एंड अप टू सॉन एन माइनस वन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, या नेचुरल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए फॉर्म्स आ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन। ओके तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख ZN सेट देखते हैं, ये 0, 1, 2 एंड अप टू सोन एन माइनस वन तक है, मतलब कि इसमें क्या है हमारे पास, एक फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। और ये कितने एलिमेंट्स हैं इसके पास, टोटल एन एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब जो ऑर्डर होगा हमारे पास ZN का वो कितना है, एन, दैट इज़ फाइनाइट। ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, वो देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करने से पहले अब हमने क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसका ऑपरेशन देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे डिफाइन करते थे हम। हमने क्या किया, कोई भी एक दो आर्बिटरी एलिमेंट लिए ZN से, तो ऑपरेशन अप्लाई किया इन दोनों के। अब हमें इसकी आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट हम कैसे निकालते थे कि हमने क्या किया था कि a प्लस बी को फर्स्ट हम सिंपली एडिशन करते हैं, देन वी डिवाइड a प्लस बी बाय n। जब हम इसे n से डिवाइड करते हैं तो हमें एक कोशेंट मिलता है q, और साथ में एक रिमाइंडर मिलता है r, और जो रिमाइंडर होता है मेरे हमेशा वो n से क्या होगा, लेस देन और छोटा होगा, और ग्रेटर देन इक्वल। यही कंडीशन सेटिस्फाई होती है जब भी हम किसी नंबर को, इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं। तो जो ऑपरेशन हम, ये आंसर है, ऑपरेशन क्या डिफाइन करते थे कि a प्लस बी को ऐड किया, n से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वही हम इसकी आउटपुट लिखते थे। ऐसे ही ऑपरेशन डिफाइन करते थे हम, ठीक है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में, लेक्चर नंबर 9 में किया था। ओके तो अब देखिए, ऑपरेशन अप्लाई किया और आर, अब वैल्यू होनी चाहिए कि आर हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए, ZN को। और यहाँ पर देखिए आर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, 0, मतलब कि आर या तो हमारा 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, अप टू सोन या 2, इनमें से ही कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। इसका मतलब जो ये रिमाइंडर बचा है वो हमेशा हमारा ZN को बिलोंग करेगा, ZN में भी तो ऐसे ही एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब जो हमने ये ऑपरेशन डिफाइन किया वो होगा हमारे पास R, और वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास ZN को। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास एसोसिएटिविटी। ओके तो इसका जो प्रूफ होता है मोस्टली बुक्स में डायरेक्टली दिया होता है, बट हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम पूरा मेथड से करेंगे इसको, देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है, ये एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब हम देखिए, एक सबसे पहले ये ऑपरेशन सॉल्व होगा, ए एडिशन मॉड्यूलो एन बी, मतलब हमने क्या करना है कि ए प्लस बी एलिमेंट लिया, उसको हमने n से डिवाइड किया, और मान लेते हैं कि Q1 कुछ कोशेंट आया और R1 कुछ रिमाइंडर आया। जो ये R1 रिमाइंडर आया, इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास, R1। अब R1 प्लस मोडिलो n हमने C फाइंड करना है, तो ये कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे फिर से R1 प्लस C को ऐड करेंगे, उसको n से क्या करेंगे डिवाइड। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ
Q2 आया और रिमाइंडर हमारे पास कुछ R2 फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब R1 प्लस एडिशन मॉड्यूलो एन सी हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास R2 निकला। तो इसका मतलब A प्लस एडिशन मॉड्यूलो एन बी सी हमारे पास क्या हुआ, R2 आया। तो अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ये इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी और एक ये वाली इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ओके, तो फिर से हम जो हैं वो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्यू वन एन प्लस आर वन, एंड देन हमारे पास थी आर वन प्लस सी इज इक्वल टू क्यू टू एन प्लस आर टू। अब हमने क्या किया, इसमें से आर वन की वैल्यू को निकाल कर इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से आर वन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए प्लस बी माइनस क्यू वन एन, इसमें पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, प्लस सी विच इज इक्वल टू क्यू टू एन प्लस आर टू। अब थोड़ा सा अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं वैल्यूज़ को, तो क्यू वन माइनस वन उधर जाकर ऐड होगा और एन को हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास ये बन जाएगा प्लस आर। ओके, अब उसी तरह से हमने अब ए एडिशनल मॉड्यूलो एंड बी फाइंड आउट किया था, तो उसी तरह से अब हम फाइंड आउट करेंगे ए मॉड्यूलो एन बी एडिशनल मॉड्यूलो एन सी, ये फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अब हमारा कैलकुलेट क्या होगा, ये कैलकुलेट होगा। तो इससे हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे, फिर हम एन से डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोशेंट हमारे क्यू थ्री आया और रिमाइंडर हमारा पास आर थ्री हुआ, तो इसका मतलब बी प्लस सी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या मिलेगा हमें, आर थ्री। अब हमने आर थ्री को इसमें पुट करेंगे, तो अब हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ए को आर थ्री में ऐड करेंगे, फिर एन से डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं क्यू कुछ फोर होगा कोशेंट और रिमाइंडर कुछ आर फोर होगा, तो इसका मतलब ए एडिशनल मॉड्यूलो एन, जो रिमाइंडर बचा हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई है आर फोर आ गई, तो ये आर फोर है। तो इसका मतलब ए प्लस एन बी मॉड्यूलो एन सी हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी आर फोर। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी, हम उसको मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब फिर से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से आर थ्री की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो आर थ्री की यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बी प्लस सी माइनस क्यू थ्री एन, इसमें पुट किया और ये हमारे पास आर फोर। तो यहाँ से फिर से हम अरेंज करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बनेगा क्यू थ्री प्लस क्यू फोर इंटू एन प्लस आर फोर। ठीक है, देखिए एक ये इक्वेशन देखिए और ये इक्वेशन हमने चेक करनी है। इसमें क्या हो रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी एक नंबर है, उसको हमने एन से डिवाइड किया तो क्वेश्चन ये आया, तो रिमाइंडर हमारे पास ये बचा। उसी तरह से यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी नंबर है, उसको हमने एन से डिवाइड किया, ये क्वेश्चन और ये हमारा उसका रिमाइंडर बचा। ठीक है, और ये आर टू आर फोर बहुत हमारे एन से लेस देन होंगे। अगर हम सेम नंबर को एक सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उनका क्वेश्चन और रिमाइंडर तो सेम होगा, इसका मतलब क्यू वन प्लस क्यू टू किसके इक्वल होगा, क्यू थ्री प्लस क्यू फोर के। उसी तरह से हमारे पास आर टू किसके इक्वल होगा, आर फोर के, और यही हमारी काम की चीज़ है। देखिए आर टू हमारे पास क्या आया था, ये फर्स्ट आर टू आया था, और
अब ये हमारे पास जो है आर फोर है और आर टू आर फोर दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ए प्लस मॉड्यूलो एन बी किसके इक्वल हो गया, ए मॉड्यूलो एन बी मॉड्यूलो एन सी के। तो ये हमारी एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसे भी सेटिस्फाई कर गया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी इसकी। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिटी। तो हमने किया था पीछे कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा बनता है इसका, ज़ीरो। अब देखिए ए हमने कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया जेड एन से, ज़ीरो ए निकाला और वो क्या है हमारे पास ए ही होगा, इसमें ऐड करेंगे ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे भी ओके। तो ये हमारे पास होगी इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट और ये हमारे पास बिलोंग भी कर रही है जेड एन को, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगी। अब बात करते हैं हम इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं जेड एन से। तो एज लाइक हमने पीछे भी किया था कि अगर हम जेड एन में से कोई एलिमेंट लेते हैं लास्ट लेक्चर में, तो एन माइनस से सबसे पहली बात ये नंबर हमारे जेड एन को बिलोंग करेगा हमेशा कि एन से कम होगा ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स क्या होता है ये, अब इसके प्रूफ कर देते हैं हम, इसे ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं दोनों एलिमेंट्स के ऊपर। ये देखिए इन दोनों को अगर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम सिंपली एडअप करेंगे, एडअप करने के बाद हमारे पास एन बचा, एन को फिर से हम क्या करेंगे अब एन से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा ज़ीरो। तो जो रिमाइंडर होगा वही हमारा इसका ऑपरेशन का आंसर होगा। तो दो एलिमेंट्स को ऐड कर हमारे पास ये बन रहा है, इसी तरह से ये भी हमारे पास सेम होगा ठीक है। तो इसका मतलब ए का जो इनवर्स होगा वो हमारे पास क्या मिलेगा हमें एन माइनस, और ये बिलोंग भी कर रहा है हमारा जेड एन को। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये बनेगा। उसके बाद आती है कि ये कम्यूटेटिव अबेलियन ग्रुप भी होगा। देखिए अगर मैं ए ये निकालता हूँ तो ये कैसे निकलेगा कि ए प्लस बी को हम ऐड करेंगे एन से डिवाइड करेंगे ठीक है, ये ऐसे ही निकलेगा कि ए प्लस बी एलिमेंट को ऐड किया, फिर हमने क्या किया इसको एन से डिवाइड किया, यहाँ पर कुछ क्यू आया और ये कुछ रिमाइंडर आर बचा, तो इसका आंसर आर होगा। अब हमने निकालना है ये निकालना है, अब बी प्लस ए ये ऑपरेशन कैसे निकलेगा, बी प्लस ए को ऐड करेंगे एन से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी या बी प्लस ए है तो दोनों सेम नंबर है, एन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सेम वाला क्यू होगा और रिमाइंडर भी सेम होगा ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये हमारे पास अबेलियन भी होगा, डेट इस कम्यूटेटिव ग्रुप। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो प्रूफ है जेड एन का वो ख़त्म हुआ कि जेड एन फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्टिकुलर ग्रुप लीजिए, जेड फाइव लीजिए, जेड सेवन लीजिए, जेड टेन लीजिए, उसका टेबल फाइंड आउट कीजिए, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था मल्टी ऑपरेशन का टेबल ठीक है, उसके इनवर्स फाइंड आउट कीजिए ताकि आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ये बहुत काम का ग्रुप है, बीएससी में भी इसका थ्रेटिकल प्रूफ बहुत बार आता है हमारे पास बीए बीएससी के एग्ज़ाम में, और जो हम हायर लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं आईआईटी जैम हो गया, गेट हो गया, नेट के लिए हो गया, उसके लिए तो ये देखिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है, बहुत सारे क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं इस ग्रुप की हेल्प से ओके। तो ये ग्रुप को आपको आना चाहिए प्रॉपर, इसका ऑपरेशन भी और ठीक है। तो टोटल हमारे इस ग्रुप के ऊपर अंडरस्टैंड अच्छे से करने के लिए तीन लेक्चर लगे हैं और सभी का लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिलेगा। और साथ ही में हमने एक ग्रुप भी कंस्ट्रक्ट किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको ग्रेजुएशन के लिए सभी के सभी जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए आपको स्टडी मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अलावा और जितने भी हमारे वीडियो कोर्सेज हैं फ्री, उनकी आपको नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, उनका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगले लेक्चर में अब देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पर एडिशन की थी ना, एडिशन करके एन से डिवाइड करते हैं, तो आगे हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उनको एन से क्या करेंगे, डिवाइड, और वो देखेंगे कि क्या वो हमारा इस तरह से ग्रुप बनेगा या नहीं। एडिशन का तो बन गया, मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल है या नहीं, वो अगले लेक्चर में देखेंगे।